हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा चेंज इन एंट्रोपी। बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होता है चेंज इन एंट्रोपी में कौन सा फॉर्मूला लगाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला लगता है। और चेंज इन एंट्रोपी जो है बहुत सारे कंपिटिशनल एग्जाम सेमेस्टर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है इस वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा कि आप कोई भी चेंज इन एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पूरा वीडियो देखो आप, ठीक है। इसमें जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे लगभग सारा का सारा मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी पहला फॉर्मूला डेल्टा एस इजिकल्स टू क्यू बाई डी। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हम लोगों ने 11th, 12th में जब एंट्रोपी पहली बार पढ़ा था, ठीक है, उस समय ये तो देखा है चेंज एंट्रोपी इज टू हीट एडेड बाय टेम्परेचर। इस चीज का पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे। ठीक है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ये पार्ट को आप लेकर के कंफ्यूज नहीं रहो। ठीक है, पहले इस चीज को समझो, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाय डी। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो हम लोग केल्विन में लेते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, सेल्सियस में नहीं डालते, इसे हम लोग केल्विन में डालते हैं। अब इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस ये कहता है कि कोई हमारे पास लेट सपोज कोई एक बॉडी या फिर कोई सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी है, इसमें हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। तो जब इसमें हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं तो अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कहने का मतलब ये जो हीट ऐड कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है जब हम लोग हीट कर ऐड कर रहे हैं उस प्रोसेस में, अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो जहां से हम लोग हीट कर ऐड कर रहे हैं इस बाउंड्री से, उस बाउंड्री का भी टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होगा, है ना। तो एंट्रोपी एक्चुअली वही होता है, एंट्रोपी होता है जब हम लोग किसी बॉडी में हीट इंटर करवाते हैं और जिस बाउंड्री पे इंटर करता है ना, इस बाउंड्री पे वहां का टेम्परेचर, ठीक है, वो अगर वेरी कर रहा हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो बताऊंगा। लेकिन वो अगर बाउंड्री टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह रहा हो, कांस्टेंट, तो उस समय हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई डी इन केल्विन। ठीक है, तो कांस्टेंट कब रहता है बाउंड्री टेम्परेचर कांस्टेंट, कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। मतलब जब भी आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस आए तो सिंपल जो हम लोगों ने बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई डी, वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे इवापोरेशन, है ना, कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है फेज चेंज होता है, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कांस्टेंट रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और भी बहुत सारे आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकते हैं रियल लाइफ में, हम लोग अचीव कर सकते हैं, बट ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी वो फेज चेंज हो रहा हो, तो फेज चेंज के केस में अगर हम ये लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हीट कितना ऐड करते हैं, जितना कि उसका लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट। ठीक है, अगर कुछ उसका मास m है तो m into l, ठीक है, डिवाइड बाय जिस टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐड कर रहे हैं या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे वाटर का केस मैंने ले लिया। ठीक है, तो वो टेम्परेचर, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग केल्विन में लेंगे। उस तरीके की सिचुएशन में जब फेज चेंज हो रहा हो, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा हो सिस्टम का, तब हम ये फॉर्मूला सिंपली यूज कर देते हैं, जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है एंट्रोपी चेंज का। अब ये सब फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक्चुअली में इसी से डिराइव किया गया है। बेसिक जो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेसिक डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फॉर स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज इन हीट इज एडेड, और उसका स्मॉल जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है एंट्रोपी से, इस फॉर्मूले से इसी को कर दिया गया डिराइव। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से इसको भी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर को बाहर निकाल करके हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है तो जब टेम्परेचर भी वेरी हो रहा था तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, तो ये सब फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिलहाल मैं ये सबका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा इस फॉर्मूले में, जो भी है कि डेरिवेशन या फिर कुछ भी, बस मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपको काम हो जाना है। डेरिवेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो है डेल्टा इक्वल्स टू mcln t2 / t1, ये सॉलिड के केस में यूज करते हैं। जब कोई सॉलिड बॉडी आपके पास दिया है,
ठीक है, जब भी कोई सॉलिड बॉडी दिया, जैसे कोई सॉलिड बॉडी है इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम तालाब में छोड़ दिए, तो कुछ देर के बाद तालाब के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो जितना तालाब का टेम्परेचर उतना उसका हो जाएगा, तो क्या हो रहा है उसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो बोलेगा उस दौरान हम बताइए कितना एंट्रोपी चेंज हुआ उस बॉडी का, ठीक है। तो उस बॉडी का एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है MCLN T2T1 यूज कर देंगे, सी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास बॉडी का, एलएन T2T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ठीक है, जो भी है यूज कर देंगे। अगर वो हीट बाहर की ओर छोड़ रहा होगा तो एंट्रोपी उसका घट रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उसका एंट्रोपी बढ़ रहा होगा, ठीक है, बाहर की ओर छोड़ने से एंट्रोपी घटता है, इस तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे सॉलिड के केसेस में आ गया, ये वाला हमें याद रखना, जब भी सॉलिड बॉडी दिया रहे उस तरीके की सिचुएशन रहे, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला, जब आइडियल गैस से हवा को भी हम लोग आइडियल गैस अज्यूम करते हैं, एयर रहे, ठीक है, आइडियल गैस के केस में ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, 3 और 4, डेल्टा इज टू एम ब्रैकेट में CVLN T2T1 माइनस RLN P2P1 MCPLN T2T1 प्लस RLN P2P1। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था डेल्टा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, उसी से किया गया है डिराइव और टीडीएस इक्वेशन को यूज किया गया है, ठीक है। तो मैं उस चीज को डिटेल में नहीं बताता हूँ क्योंकि उसका उससे जाने से कुछ मतलब उतना खास फर्क नहीं पड़ना, बस एक बेसिक लग जाएगा कि कहां से आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे डायरेक्टली रख लिया है ना, टीडीएस इक्वेशन होता है उससे वो वाला फॉर्मूला दोनों कंबाइन करके हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और ये चीज आ जाता है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला जान लोगे तब काम चल जाएगा। तो फॉर्मूला ये है MCVLN T2T1, ये दो फॉर्मूला है, ये हमेशा यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस के लिए, आइडियल गैसेस के केस में कोई भी गैस दिया हुआ, चाहे आपको क्वेश्चन में कोई दिया हुआ गैस, ठीक है, ठीक है, अगर वो आइडियल गैस है, हवा है, सिंपल कोई भी गैस है, और बोलेगा कि कुछ इनिशियल टेम्परेचर पे था, कुछ इनिशियल प्रेशर पे था, तो कुछ इनिशियल मास था, फिर कुछ प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ हमें नहीं पता, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कुछ भी है, हम लोग हमेशा ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो और क्या हुआ, कुछ प्रोसेस हुआ फाइनल टेम्परेचर पे या फिर फाइनल प्रेशर पे, फाइनल वॉल्यूम पे वो रीच कर गया, तो बताओ कितना उसका एंट्रोपी चेंज हुआ उस गैस का, ठीक है। कुछ नहीं, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर यहाँ रखेंगे, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर रखेंगे, जब भी आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, जब भी आपको इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया रहे क्वेश्चन में या फिर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, जब टी और वी दिया रहे, टी और पी दिया रहे, आपको बोल देगा कि बताओ कि जब ये प्रोसेस हो रहा है तब आइसोकोरिक हो रहा है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो ये दोनों को इक्वल कर दो, ये दोनों इक्वल कर देंगे V1 = V2, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब बोलेगा आइसोबारिक हो रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, अब बोलेगा आइसोथर्मल हो रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना। और एक्चुअली तो ये हमारे डिफरेंट प्रोसेस से हो गया, ठीक है। जनरली 4 ही प्रोसेस होते हैं ना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक हुआ मतलब कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं, मतलब उसमें कोई एंट्रोपी चेंज वाली बात हमें सोचना नहीं, हीट एडेड इज 0, तो एंट्रोपी नीचे का फिर सोचना ही नहीं, एडियाबेटिक खत्म। आइसोकोरिक रहा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ये वाला, ठीक है, आइसोबारिक रहा ये इक्वल खत्म, आइसोथर्मल रहा ये, ठीक है, मतलब इतना ही 4 प्रोसेस का तो पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं दिखाता हूँ, जो सॉलिड बॉडी होता है ठीक है, उसका जो है CP = CV होता है उसका सॉलिड बॉडी का, ठीक है, CP = CV = C होता है, ठीक है, इसलिए यहां मैंने सिर्फ सी लिखा, सीपी और सीवी नहीं लिखा, ठीक है। और सॉलिड बॉडी का केस में क्या होता है, यहां से हम देख सकते हैं, ये फॉर्मूला ऐसा है कि इसी से ये वाला आ सकता है, कैसे, सॉलिड बॉडी में कोई प्रोसेस हो रहा है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो V1 = V2 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा MCLN T2T1, वही चीज यहां लिखा हुआ है, या फिर P1 = P2, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, MCLN T2T1, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, मतलब इससे यही मतलब इसी फॉर्मूला से ये वाला भी चीज आया है, ठीक है। जिस तरीके से रिलेट करके भी हम याद रख सकते हैं, और लगभग जितना भी डिफरेंट क्वेश्चन आपके आएंगे कहीं भी, इससे तो आपके स्योर शॉर्ट एंट्रोपी चेंज के सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी को दिक्कत आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में